आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज कासिम अंसारी जी की लिखी हुई कहानी वीराना सीजन वन का लास्ट एपिसोड। दोस्तों अगर वीराना का फर्स्ट एपिसोड नहीं सुने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दी हूँ, आप लोग जाके उन्हें सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज की कहानी वीराना का सीजन वन लास्ट एपिसोड। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को टिल द एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि लास्ट में आप लोगों से कुछ बातें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज की कहानी वीराना सीजन वन का लास्ट एपिसोड। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैंने पीर बाबा से पूछा, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? पीर बाबा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, उनकी मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय थी। पीर बाबा ने बहुत ही आहिस्ता से मुझसे कहा, अमान कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और जिनके बारे में हम यकीन नहीं करते और यकीन करना भी नहीं चाहते। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। मैं कुछ समझा नहीं पीर बाबा, मैंने बेचैनी के आलम में पीर बाबा से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? पीर बाबा मेरी तरफ देखते रहे, फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, तुमने घड़ी देखी? मैंने कहा हाँ। क्या वक्त बता रही है? उस घड़ी में 1 बज रहा है। फिर पीर बाबा ने मेरी तरफ देखा और बहुत गौर से देखा, मैंने देखा उनकी आंखें चमक रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब बिल्कुल सही सही देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। पीर बाबा ने मुझसे कहा, अभी जो घड़ी तुम्हें वक्त दिखा रही है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तब क्या वक्त दिखा रही थी? मैंने पीर बाबा से कहा, तब भी घड़ी में 1 ही बज रहा था। पीर बाबा मुझे फिर देखा, जब तुम रात में कमरे में सोए थे उस वक्त कितने बजे थे? यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि अभी तक मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी, यहाँ तक कि मैंने अपने भाई और अपनी माँ को भी नहीं बताई थी। फिर ये बात पीर बाबा को कैसे पता चली? मैं ये बात पीर बाबा से पूछना ही चाहता था कि पीर बाबा ने हाथ से इशारा करके मुझे मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा, जो तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। फिर पीर बाबा मुझसे बोले, और जब तुम वीराने में थे उस वक्त कितने बजे थे? उस वक्त भी यही वक्त था पीर बाबा। पीर बाबा मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। फिर अचानक वो बहुत तेज आवाज में बोले, इस वक्त तुम कहाँ हो? उनकी तेज आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैं सोचने लगा, पीर बाबा भी कमाल करते हैं, पहले तो मुझसे कहा बहुत आहिस्ता आवाज में बात करो और अब इतनी तेज आवाज में खुद बात करने लगे। मैं कुछ कहना ही वाला था कि पीर बाबा ने मुझसे फिर कहा, और अब की बार और ज्यादा तेज आवाज में कहा, इस वक्त तुम कहाँ हो? उनकी तेज आवाज सुनकर शमशाद मेरी तरफ देखने लगा, मगर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मेरी माँ और मेरे भाई पर वहाँ बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बात सुनाई नहीं दे रही, जैसे कि हम दोनों दिखाई नहीं दे रहे। शमशाद से सब्र नहीं हुआ, शमशाद बोल पड़ा, ये सब क्या है पीर बाबा, ये सब क्या हो रहा है? पीर बाबा ने शमशाद की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बेवजह फंस गए बेटा, लेकिन जब फंस ही गए हो तो तुम्हें निकलना होगा। शमशाद मेरी तरफ हैरत से देखने लगा, मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैं पीर बाबा से कहने लगा, अब जब जोर जोर से आप बातें कर ही रहे हैं तो मुझे सीधे सीधे बताओ कि ये माजरा क्या है? पीर बाबा ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है
क्या तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी माँ और भाई तक पहुँच रही है? देखो इन्हें गौर से, क्या ये लोग तुम्हारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैंने बेबसी के आलम में पीर बाबा की तरफ देखा और कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, हमें बात करते हुए कितना वक्त हो गया? कम से कम अब 1 घंटा तो हो ही गया होगा। देखो उस घड़ी की तरफ। मैंने फिर घड़ी की तरफ देखा, वो अब भी 1 ही बजा रही थी और मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। मेरी बेबसी इस कदर बढ़ गई कि मेरी आँख से थोड़े से आंसू निकल आए और मेरे अंदर का खौफ और बढ़ गया। पीर बाबा मेरी मदद करो, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपनी बेखुदी के आलम में तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलने लगा, मगर मेरी आवाज़ सिर्फ पीर बाबा सुन रहे थे। मेरी माँ और मेरा भाई मानो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पीर बाबा ने तेज आवाज़ में कहा, शांत हो जाओ अमान, घबराओ मत, तुम एक भंवर में फंस गए हो। अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बस तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनो। तुम्हारे सामने और तुम्हारे दोस्त के सामने बहुत से रास्ते आएंगे जो तुम्हारे समझ से बाहर होंगे, मगर जैसा भी हो तुम्हें उस दरवाजे से निकलना है। तुम्हें उस दरवाजे से हर हाल में निकलना होगा और मैं जानता हूँ कि तुम निकल सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं, पीर बाबा कौन से रास्ते और कौन सा दरवाजा? मैं तुमसे कह रहा हूँ अमान की बहुत सी चीज़ है तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। रही बात दरवाजे की, तो समझ लो दूसरी दुनिया का दरवाजा, जो जाने अनजाने में ही सही लेकिन तुमने खोल दिया है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो तुम वहाँ पर चले गए हो, उससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ बता नहीं सकता। वो इसलिए कि इससे ज़्यादा तुम अभी कुछ समझ नहीं सकते। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें वहाँ भेज सकता हूँ जहाँ से तुम आए हो। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पीर बाबा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये सुनकर पीर बाबा ने मेरे हाथ पकड़ा और मेरे दोस्त को आँखों से इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, आओ मेरे साथ। मैं और मेरा दोस्त शमशाद पीर बाबा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गए और हम लोग बहुत ही हैरत में थे। हमने देखा कि माँ और भाई आपस में बातें कर रहे थे। अभी कुछ देर की पहले की ही बात है, मेरा भाई मुझे खुद इस कमरे में लाया था और अब ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि हम वहाँ पर है ही नहीं। शमशाद और मैं कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आकर पीर बाबा हमें छत की तरफ ले गए और हमसे कहा, क्या देख रहे हो? मैंने पीर बाबा से कहा, कुछ नहीं पीर बाबा, हम लोग छत पर हैं। हमारी छत से पूरा गांव दिखाई देता था। पीर बाबा ने अपनी आंखें बंद करें और कुछ पढ़ने लगे। फिर हमसे कहा, गांव की तरफ देखो। हमने जैसे ही गांव की तरफ देखा, हमारी हैरत का ठिकाना ना था। गांव में कोई भी मौजूद नहीं था, पूरा गांव वीरान पड़ा था। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सभी गाँव वाले मौजूद थे, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गांव सदियों से खाली पड़ा है। फिर पीर बाबा ने कहा, अंदर जाओ और देखो। हम अंदर उसी कमरे में चले गए जहां पर हमारी माँ और भाई बैठे हुए थे, मगर वहां पर कोई नहीं था। यहां तक कि जो हमारे घर के नौकर चाकर थे वो भी मौजूद नहीं थे। वीराना, पूरा गांव वीराना, पूरा घर वीराना। पीर बाबा ये सब कुछ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, कि ये सपना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जादू किया है और ना ही ये सपना है। तुम जो कुछ देख रहे हो वो हकीकत भी है और सपना भी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हकीकत और सपना एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता?
इस दुनिया में बहुत बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं जिसे इंसान नहीं जानता। बड़े बुजुर्गों की बात इंसान को माननी चाहिए। तुम्हें चांद की आखिरी तारीख में उस वीराने में नहीं होना चाहिए था, मगर तुम उस वीराने में पहुंच गए। ये तुम्हारी किस्मत थी, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेवजह नहीं होती। हर किसी चीज़ की वजह होती है। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मदद? कैसी मदद? मैंने शमशाद की तरफ देखा। शमशाद के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरी तरफ और पीर बाबा की तरफ हक्का बक्का देख रहा था और हम लोगों की बातें सुन रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ एक तांगे वाला भी था, वो कहाँ है? मैंने पीर बाबा से कहा। पीर बाबा, हमें ये बताया गया था, हम एक महीने से बेहोश थे। हमने तांगे वाले के बारे में पूछा भी था। शबाज भाई ने बताया कि वहाँ पर कोई तांगे वाला नहीं था। और तुम लोग इन 15 दिनों में उस तांगे वालों को भूल गए, सही कहा ना? हाँ, आपकी बात तो सही है। अच्छा एक बात बताओ, पीर बाबा ने हम दोनों की तरफ देखकर कहा, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो, क्या वो इतने कम दिनों में इतनी जल्दी कोई चीज़ भूल सकता है? हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए। आपने सही कहा पीर बाबा, फिर वो तांगे वाला कहाँ गया? पीर बाबा ये सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर पीर बाबा ने हम लोगों से कहा, उसके बारे में भी तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा, मगर तुम्हें अभी उस दरवाजे से बाहर निकलना है। मैं मदद के लिए आता रहूँगा। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर पीर बाबा ने हमें चुप करा दिया और हमसे कहा, जाओ लौट जाओ। मैंने पीर बाबा से कहा, पीर बाबा कहाँ लौट जाएं हम, ये हमारा घर है। पीर बाबा ने फिर हमसे कहा, ये तुम्हारा घर है, सही कहा, ये तुम्हारा घर ही है, मगर तुम खुद सोचो कि तुम्हारे घर वाले जो अभी कुछ देर पहले तुम्हारे सामने मौजूद थे कहाँ गए? वो गांव वाले जो कुछ देर पहले मौजूद थे कहाँ गए? मैं एक बार फिर खामोश हो गया और मेरा दोस्त बेचारगी के आलम में मुझे देखने लगा। फिर मैंने अंदर ही अंदर फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा। अब आगे बताइए पीर बाबा, क्या करना होगा प्लीज़? पीर बाबा ने मुझसे कहा, मेरी बात को मानना होगा। मेरी बात को जब तक मानते रहोगे सुरक्षित रहोगे और बाहर आ जाओगे। और बाहर आने के बाद भी ऐसे कई मौके आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हें हैरत में डाल देंगे। तुम्हें बस घबराना नहीं है, बस अल्लाह पर यकीन रखना है और ये सोचना है कि तुम बहुत जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकल आओगे। याद रखना, खुद को कमज़ोर मत पड़ने देना, अपने जज्बात को काबू में रखना, अपने ऊपर डर को हावी मत होने देना। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे और फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तुम दोनों को बहादुर बनना होगा, अमान और शमशाद। मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, अब मेरी बात मानो, इस छत से कूद जाओ। क्या? ये सुनकर हम दोनों घबरा गए। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर इस छत से कूद जाएंगे तो हम दोनों तो मर जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। मैंने तुमसे कहा ना, खुद पर भरोसा रखो, कूद जाओ। शमशाद और मैं दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे। बहुत देर बाद शमशाद ने आकर मुझसे कहा, क्या करना चाहिए यार, हम लोग जो देख रहे हैं उसको नकार भी तो नहीं सकते। मैंने शमशाद से कहा, बात तो सही है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या सच है और क्या झूठ। फिर मैंने शमशाद से कहा, बात तो तेरी सही है यार, मगर मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि हमें पीर बाबा की बात मान लेनी चाहिए। पीर बाबा ने चीख कर मुझसे कहा और शमशाद से कहा, ज़्यादा वक्त नहीं है, कूद जाओ। अब चीख कर उन्हें हम दोनों से कहा तो पता नहीं हमें क्या हो गया। मानो ऐसा लगा जैसा कि हमारे जिस्म पर हमारा कंट्रोल की ही नहीं है।
और हम लोगों ने बगैर कोई सवाल किए छत से छलांग लगा दी। बाबूजी, 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 क्या हुआ? हड़बड़ाकर मेरी आंख खुली। मेरे सामने कोई और नहीं तांगे वाला था और हमारे बगल में शमशाद था। वो भी अचानक सोते से उठ खड़ा हुआ। मैंने तांगे वाले को गौर से देखा। बाबूजी, मैं आपको बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रहा था और आपके दोस्त को भी, मगर पता नहीं क्यों आप लोगों की नींद है कि क्या है, आप दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे और सपने में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। क्या क्या कह रहा था मैं? पता नहीं बाबूजी, सिर्फ आप दोनों की आवाज़ में बस पीर बाबा ही समझ में आ रहा था। हम दोनों कहीं और नहीं बल्कि उसी कमरे में थे जहाँ पर हम रात में सोए थे। एक बार फिर हम उसी कमरे में। शमशाद ने मेरी तरफ देखा और मैंने शमशाद की तरफ। मैं शमशाद से कुछ पूछना चाहता था मगर इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोपहर हो गई है बाबूजी, अब तो उठ जाइए। आवाज़ मेरी जानी पहचानी थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, रुबीना की थी। वही रुबीना जो हमें वीराने में मिली थी, जिसके साथ हम चलकर इस महल की तरफ आए थे। मेरे मन में कई सवाल दौड़ रहे थे। एक बार फिर हम फिर उसी महल में थे। मैंने तो तांगे वाले की तरफ इशारा किया, दरवाज़ा खोल दो। तांगे वाले ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा वो रुबीना ही थी। आप लोग बहुत देर तक सोए बाबूजी, हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। हमारा भाई आपका इंतज़ार कर रहा है, आप लोग तैयार होकर बाहर आ जाइए। कुछ देर बाद मैं आपको अपने भाई के पास ले जाऊंगी और वैसे भी वक्त ज़्यादा हो गया है। मेरा भाई आप सबका खाने की टेबल पर इंतज़ार कर रहा है। मैं रुबीना की तरफ हैरत से देख रहा था। क्या देख रहे हो बाबूजी? कुछ नहीं, जल्दी तैयार हो जाइए आप लोग, बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है। ये कहकर वो चली गई। शमशाद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये कहकर मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और वही हुआ जो अब तक होता आ रहा था। वो घड़ी एक बजा रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि रुबीना के मुताबिक हम सोते हुए काफ़ी वक्त हो गया था। अगर ये मिस्ट्री हमारे समझ से बाहर थी कि ये घड़ी बार बार एक ही वक्त क्यों दिखा रही है, जो वक्त उस वीराने में था। कुछ खबर मिली शहबाज? नहीं अम्मी जान, कुछ खबर नहीं। रुकेया बेगम के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। तुमने कहाँ तक देखा? मैं और गांव वाले उस इलाके का पूरा चक्कर लगाए मगर वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला अम्मी जान। आज अमन को लापता हुए पूरे 12 घंटे हो चुके हैं। कमबख्त ये रात बड़ी मुश्किल से कटी और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप घबराए नहीं अम्मी जान, मैंने कोतवाल साहब को खबर दे दी है। कोतवाल साहब ने कहा है कि वहाँ पर पूरी तरह से तलाश जारी है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कोतवाल साहब के मुताबिक लोगों ने बताया है कि उन्होंने रात को 12 बजे वहाँ से एक तांगे वाले के साथ में लिया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर वो लोग जा कहाँ सकते हैं? और आप भी तो कुछ नहीं बताती अम्मी जान। रुकिया बेगम के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो पूरी रात सोई नहीं थी, आखिर सो भी कैसे सकती थी, उनका जवान बेटा कल रात से लापता था। आप जवाब क्यों नहीं देती? शहबाज ने रुकिया बेगम की तरफ देखते हुए कहा। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, मेरा भाई कल से लापता है। सारा गांव खौफ में है, डरा हुआ है। किसी से भी पूछता हूँ इस बारे में तो कोई जवाब नहीं देता, या फिर कहो कि जवाब देने से डरता है। समझ नहीं आता, जवाब दीजिए अम्मी जान। क्या जवाब दूँ बेटा? रुकिया बेगम थके हुए से अल्फाज में होकर बोली। मेरा जवान बेटा कल से घर नहीं आया, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तो फिर आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए शहबाज।
तुम इस मसले पर जितना कम जानोगे उतना महफूज रहोगे। और हाँ, एक काम करो, हमारे यहाँ पड़ोस का जो एक नहर वाले नाम से जो एक गांव है, जो नहर के सामने बसता है, वहाँ पर एक पीर बाबा है, तुम वहाँ पर चले जाओ, उनसे कहो कि रुकिया बेगम ने बुलाया है। और सुनो, उनके सामने धीमी आवाज़ में बात करना, नज़रें नीची करके बात करना। वो बहुत पहुँचे हुए हस्ती हैं और उन्हें बहुत ही अदब के साथ यहाँ पर लाओ। जाओ, अभी जाओ। मगर मुझे तो अभी कोतवाल साहब ने बुलाया है, मुझे उनसे भी मिलने जाना है, शहबाज ने कहा। उनसे बाद में मिल लेना, पहले जाकर पीर बाबा को बुला कर लेकर आओ, कोतवाल साहब से मैं मिल लूँगी। तुम्हारा सबसे पहला काम है ये है कि तुम पीर बाबा को यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है अम्मी जान, जैसी आपकी मर्जी, ये कहकर शहबाज वहाँ से चल दिया। और सुनो दिलावर जी, बड़े भाई, हम पड़ोस वाले गांव की तरफ चलना है, वो जो नहर के पास पड़ता है। जी बड़े भाई, दिलावर शहबाज का ड्राइवर था और वो कई सालों से नौकरी कर रहा था और बहुत भरोसेमंद था। शहबाज परेशानी के आलम में गाड़ी के अंदर बैठ गया। दिलावर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी चलते हुए दिलावर ने शहबाज से पूछा, बड़े भाई, अगर आपकी इजाज़त है तो एक सवाल पूछूं? पूछो दिलावर, आप उस नहर वाले गांव में क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं दिलावर, वहां पर कोई पीर बाबा रहते हैं, अम्मी जान ने बुलवाया है। पीर बाबा? वो तो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, दिलावर बोला। क्या तुम उन्हें जानते हो? उन्हें कौन नहीं जानता बड़े भाई, आस पास का सारा गांव उनको बहुत मानता है, वो वाकई बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके पास बहुत इल्म है। वैसे तो वो किसी से नहीं मिलते और वो गांव से दूर आबादी में रहते हैं, जंगल की तरफ किसी झोपड़ी में, वहीं पर वो इबादत करते हैं। ये काम तो अच्छा हुआ दिलावर, मैं वहाँ पर जाकर परेशान होता, इसका मतलब तो उनका पता जानते हो तुम। जी बड़े भाई, इसलिए तो आपसे पूछा था। दिलावर शुरू से ही शहबाज को बड़ा भाई कहता था। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों पीर बाबा की झोपड़ी के सामने थे। शहबाज ने देखा कि आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, इंसान का नामो निशान मौजूद नहीं था। सामने एक नहर बह रही थी, ये वही नहर है जिसके नाम से वो सामने वाला गांव मशहूर था। दिलावर ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ शहबाज, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, आने में काफ़ी देर लगा दी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। शहबाज हैरत से दिलावर की तरफ देखने लगा, मगर दिलावर के चेहरे से लगता था जैसे उसे कोई हैरत नहीं है। शहबाज ने दरवाज़ा खोल दिया, सामने एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला शख्स बैठा हुआ था, जो बूढ़ा हो चुका था मगर उसकी सफ़ेद सफ़ेद मोटी सुर्ख कलाइयाँ यह बयान कर रही थी कि उम्र का उनके बदन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर नूर साफ झलक रहा था। ऐसे मत देखो शहबाज, क्या आप मुझे जानते हैं पीर बाबा? पीर बाबा ये सुनकर मुस्कुरा दिए। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, शहबाज ने अदब से गर्दन झुका ली। शहबाज ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शहबाज की माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि पीर बाबा से कोई सवाल मत करना और उन्हें बहुत अदब और ताजीम के साथ यहाँ पर लाना। थोड़ी देर बाद पीर बाबा रुकिया बेगम के हवेली पर थे। पीर बाबा अलग कमरे में बैठे हुए थे और रुकिया बेगम बेसब्री से पीर बाबा का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी जान, पीर बाबा को मैं ले आया हूँ। कहाँ है पीर बाबा? रुकिया बेगम ने कहा। जी वो बगल वाले कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में दिलावर आ गया। क्या बात दिलावर? शहबाज ने कहा। बड़े भाई, पीर बाबा ने आपको याद किया है, दिलावर ने बोला। रुकिया बेगम ने आंखों से शहबाज को इशारा किया, जाओ। शहबाज पीर बाबा के कमरे में चला गया। जी आपने मुझे बुलाया पीर बाबा? हाँ शहबाज, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, जाओ उनको बुला लाओ।
इसी कमरे में। मैंने अम्मी जान को बताया कि पीर बाबा उसी कमरे में आपसे बात करना चाहते हैं। अम्मी जान मुस्कुरा कर बोली, वो हमेशा उसी कमरे में ही मुझसे बात करते हैं। हमेशा? मतलब क्या है, वो इससे पहले भी आ चुके हैं? तुम नहीं जानते सहबाज, पर अभी सवाल मत करना, वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर बाद नौकर ने आकर बताया कि सारा इंतज़ाम हो गया है। फिर इतने में दिलावर वहाँ पर आ गया और सहबाज से कहा कि पीर बाबा ने रुकैया बेगम को बुलवाया है। थोड़ी ही देर बाद रुकैया बेगम और पीर बाबा एक ही कमरे में थे। रुकैया बेगम ने सलाम किया। पीर बाबा ने जवाब दिया, पीर बाबा, मेरा बेटा कल से घर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ। हम लोगों ने उस जगह की सारी छानबीन कर ली है, मगर वहाँ पर उन लोगों का नाम निशान नहीं मिला। शहर से मेरा बेटा और उसका दोस्त दोनों आ रहे थे। गांव वालों ने ये भी बताया कि वहाँ पर कि उनके साथ एक तांगे वाला भी था, वो तीनों लापता है। पुलिस छानबीन कर रही है, मगर मैं जानती हूँ कि ये काम पुलिस नहीं कर सकती। आप ही कुछ कर सकते हैं, आपने हमेशा हमारे खानदान को हर मुसीबत से बचाया है। पीर बाबा ने यह सुनकर अचानक बोल पड़े, रुको, हर मुसीबत से बचाने वाला अल्लाह होता है, मैं तो बस उसका बंदा हूँ। तुम्हारा बेटा उस वीराने में क्यों गया था तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि चांद की आखिरी तारीख में उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने उसे बहुत समझाया था पीर बाबा, मगर वो नहीं माना। आज के ज़माने के लड़के हैं ना, नहीं मानते। आप ही कुछ बताइए, मैं क्या करूं? आपने हमेशा हमारे खानदान की मदद की है, हमें हर खतरे से आगाह किया है। आगाह तो मैंने तुम्हें किया था रुकैया बेगम, अगर तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुसीबत में फंस गया, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पीर बाबा ने कहा, सब जानता हूँ तुम्हारा बेटा फंस गया है और साथ में उसका दोस्त और वो तांगे वाला भी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। उसे वहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा। कहाँ से पीर बाबा, कहाँ है मेरा बेटा? ये सारी बातें मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के आने के बाद ही बता सकता हूँ, अभी बता दिया तो मुसीबत और बढ़ सकती है। घबराओ मत रुकैया बेगम, तुम्हारा बेटा जिंदा है और वो दोनों भी और सही सलामत है। इस कायनात में कुदरत के बेशुमार राज छुपे हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम इंसान ही इस दुनिया में अकेले नहीं रहते, बल्कि कुदरत की और भी बहुत सी मखलूक यहाँ पर रहती है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ, वो भी तुम्हारी तसल्ली के लिए, कि तुम्हारे बेटे की थोड़ी सी मदद मैंने कर दी है, मगर उसे वो दरवाज़ा ढूंढना होगा। जब तक वो दरवाज़ा नहीं ढूँढेगा, तब तक वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। मदद कर दी है आपने? क्या मदद कर दी है? और दरवाज़ा, ये किस दरवाजे की बात कर रहे हैं आप? पीर बाबा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सहबाज से रहा नहीं गया और सहबाज पूछ बैठा। सहबाज जो पीर बाबा के पास ही बैठा हुआ था, पीर बाबा ने सहबाज की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। बेटा, जब तुम मुझे बुलाने आए थे तब मैं तुम्हारे भाई की मदद ही कर रहा था, मगर ये तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें छुपी हुई है, होनी ही चाहिए, जाहिर ना हो तो लोगों के लिए बेहतर होता है, इसीलिए सवाल मत करना। पीर बाबा, अब आगे क्या होगा? घबराओ मत रुकैया बेगम, मैं तुम्हारे बेटे को और उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लूँगा, मगर तुम्हें तैयार रहना होगा। तैयार रहना होगा? मैं कुछ समझी नहीं पीर बाबा। यही बात मैंने तुम्हारे बेटे से भी कही थी और तुमसे भी कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाकयात तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हें हैरत में डाल देंगे। सहबाज पीर बाबा को बड़ी गौर से देख रहा था। पीर बाबा ये कहते हुए मुस्कुरा रहे थे और इस वक्त सहबाज को उनकी मुस्कुराहट बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। रुबीना ये कहकर बाहर चली गई और मैं शमशाद को देखने लगा। घड़ी हमेशा की तरह एक ही बजा रही थी।
शमशाद ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है अमान? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शमशाद, अब जो बस इतना ही है कह सकता हूँ, इंतज़ार करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। जब इस झमेले में फंस ही गए हैं तो फिर हमें अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। फिर मैंने शमशाद से पूछा, क्या तुमने भी वही सब कुछ देखा जो मैंने देखा? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते अमान कि जो सपना मैंने देखा वही सपना तुमने भी देखा? शमशाद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और पूरी बात अपने सपने की बताई। मैंने शमशाद से कहा, बिल्कुल हूबहू यही सब कुछ मैंने भी देखा है, मगर यार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम दोनों ने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल हकीकत लग रहा था। सपने हम लोग इससे पहले भी देखते आए हैं, हर आदमी को ख्वाब आते हैं, मगर ये ख्वाब बिल्कुल अलग ही था। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब अलग ही हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए थी, चांद की आखिरी तारीख में हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक मिनट रुको, शमशाद बोला, हम दोनों ने सपना एक ही देखा, इस तांगे वाले से पूछते हैं, क्या इसने भी वही सपना देखा था? सबसे पहले तांगे वाले से मैं मुखातिब हुआ, हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ तक चले आए और तुम बेवजह हमारी वजह से इस मुसीबत में फंस गए। हमें तुमसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला, आज पहली बार तुमसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तांगे वाला हम लोगों की तरफ देखने लगा। बाबूजी मेरा नाम शकील है, गांव वाले मुझे शकील तांगे वाले के नाम से ही जानते हैं और पहचानते हैं। अच्छा शकील, ये बताओ कल रात को तुमने क्या सपना देखा? मैंने कुछ नहीं देखा बाबूजी, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, मैं तो बस आप दोनों को ही करवट बदलते हुए देख रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कल रात तुम सो ही नहीं? जी बाबूजी, शकील तांगे वाले ने कहा। मैं शमशाद की तरफ देखने लगा और शमशाद मेरी तरफ। क्या करना चाहिए, शमशाद ने कहा। मैंने कहा, वही करना चाहिए जिसका हुक्म हम पीर बाबा ने दिया है था। क्या बात कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक सपना था, शमशाद बोला। अभी दो मिनट पहले तुम ही मुझसे कह रहे थे कि वो सपना बिल्कुल हकीकत की तरह था। देखो शमशाद, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही अजीब है, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हमें माननी ही पड़ती है, भले ही चाहे सामने वाला यकीन करे या ना करे। फिर शमशाद बोला, चलो फिर क्या करते हैं, थोड़ी ही देर बाद रुबीना आती होगी, तैयार हो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और हम तीनों फ्रेश होकर तैयार हो गए, रुबीना का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला, मैंने देखा रुबीना काले कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने सादा सा ब्लैक कलर का सलवार और कमीज पहन रखी थी, मगर उसका सूट देखकर लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत महंगा हो। मैंने पहली बार रुबीना को इतनी गौर से देखा था। क्या देख रहे हो बाबूजी? रुबीना बोली। कुछ नहीं, अमान ने कहा। आइए बाबूजी, मेरे बड़े भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम तीनों रुबीना के पीछे चल दिए। कमरे से बाहर निकलकर हमें एहसास हुआ कि जैसा कि हमने रात में सोचा था कि ये कोई हवेली नहीं बल्कि महल है, ये वाकई महल ही है, जैसा कि पुराने ज़माने में राजाओं और महाराजाओं के हुआ करते थे। हम दोनों काफ़ी देर तक रुबीना के पीछे चलते रहे। मैं उस किले को बहुत गौर से देख रहा था, जो महल नुमा बहुत खूबसूरत बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। मैं देख रहा था कि बिल्कुल किले की तरह ही बहुत ऊंची ऊंची छतें थी वहाँ, कभी गोल टाइप की तो कभी चौकर टाइप की, बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी। और नीचे ज़मीन पर बहुत ही खूबसूरत और महंगे महंगे अलग अलग रंग के पूरे महल में कालीन बिछे हुए थे। वहाँ की दीवारें बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करी गई थी, मालूम होता था कि वहाँ पर बहुत महंगे महंगे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ हो।
बहुत ही खूबसूरत और महंगे किस्म के वहाँ पर पर्दे लटक रहे थे और वहाँ के पत्थरों में बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई थी। जिसने भी इस महल को बनवाया होगा बहुत ही दिल से बनवाया होगा और बेशुमार खर्चे किए होंगे। थोड़ी देर बाद एक एक बहुत बड़े कमरे में हम लोग मौजूद थे। मैंने देखा कमरा बहुत खूबसूरत सजाया गया था, बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे, छत पर बहुत महंगे महंगे झाड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े चमकदार खिड़कियाँ थी। मैंने उन खिड़कियों में झांक कर देखा तो उस खिड़की के सामने पूरा गांव दिखाई दे रहा था, मगर सूरज की किरणें उस कमरे में आ रही थी जो उस कमरे को और खूबसूरत बना रही थी। मगर मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो गांव में बिल्कुल सन्नाटा सा महसूस हो रहा था। मैंने रूबीना से पूछा, कल तो यहाँ पर जश्न का माहौल था और आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं, क्या यहाँ के लोग दिन में बाहर निकलते नहीं? रूबीना मेरी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी, बोली, बाबूजी, अमान ने कहा, एक मिनट रुको, मुझे बाबूजी बाबूजी कहना बंद करो, अब मुझे बाबूजी बाबूजी कहने से चीर होने लगी है। मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव का रिवाज है कि हम लोगों को आदर और सम्मान में बाबूजी ही कहते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे गांव का रिवाज होगा, लेकिन हमारे गांव में और शहर में ऐसा कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ मैं कोई बाबूजी नहीं हूँ। तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो और मेरा नाम अमान है। वो तो मैं जानती हूँ बाबूजी। फिर बाबूजी, तुम मुझे अमान कह सकती हो रूबीना? यह सुनकर थोड़ा खामोश हो गई, फिर थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है अमान। उसका ये कहना ही था कि मेरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पता नहीं क्यों उसके नाम लेने से मुझे अचानक रूबीना से अपनापन सा महसूस होने लगा और खुद ब खुद ऐसा लगने लगा जैसे कि हम पहले भी मिल चुके हैं, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। ऐसा मेरा दिल कह रहा था, मगर मेरा दिमाग इस बात को मानने पर राजी न था, क्योंकि कल रात ही हम मिले थे। मेरे दिल के अंदर उठे जज्बात शायद मेरे चेहरे पर जाहिर हो गए। शमशाद मेरा दोस्त था और एक दोस्त ही होता है जो अपने दोस्त के चेहरे को पढ़ सकता है। शमशाद ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे उसके देखने से अंदाज से ही पता लग गया कि वो क्या कहना चाह रहा है और मैंने बहुत फुर्ती से अपने जज्बातों को अंदर ही दबा दिया। रूबीना ने कहा, अमान बैठ जाओ। हम तीनों सोफे पर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद हमारे सामने एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान हाजिर था जिसकी उम्र 35 या 36 करीब होगी, जो भरपूर जवानी की उम्र होती है। उसने अंदर आते ही हम तीनों को सलाम किया और हम तीनों ने उसके सलाम का जवाब दिया। आप लोगों को रात में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैंने उससे कहा। मैंने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा, वो वाकई बहुत खूबसूरत था, जो ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ था और वाइट कलर की शर्ट और एक बहुत महंगा वाला ब्लू कलर का कोट और हाथ में जो वो घड़ी पहना था, साफ पता लग रहा था वो घड़ी सोने की थी और उसमें जड़े हीरे जगमगा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी रियासत का राजकुमार हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल से डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये पीर बाबा की बातों का असर था, या फिर ऐसा भी हो सकता है जब से रूबीना ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा मेरे दिल में डर थोड़ा सा कम हो गया। फिर उस सामने वाले शख्स मेरी ओर मुखातिब हुआ, मेरा नाम ओवेस है और मैं रूबीना का भरा भाई हूँ। रूबीना, मुझे बताया कि कल रात तुम लोग किस तरह से वीराने में फंस गए थे। अच्छा हुआ वो तुम्हें यहाँ ले आई, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। या तो वहाँ के जंगली जानवर तुम पर हमला कर सकते थे, या फिर सर्दी से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती थी। और हमारे ख़ानदान की परंपरा है कि हम लोग किसी को परेशानी की हालत में नहीं देख सकते हैं। किसी भी परेशान आदमी की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है।
मैंने देखा कि वो हम लोगों से बहुत ही बेतकल्लुफ़ से बातें कर रहा था, जैसा कि हम लोगों को वो पहले से जानता हो। फिर मैंने उसे कहा, मेरा नाम अमान है, मैं यहीं पड़ोस के गांव में रहने वाला हूँ। आपकी बहन ने हमें कल ये बताया था कि आपके खेत वहाँ पर है जहाँ पर हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मगर बड़े भाई, माफ़ करना, आपकी पर्सनालिटी देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप अपने खेतों की रखवाली करने रात में जाते होंगे। आपका महलनुमा घर एक तरह से किला कह सकते हैं, इसमें आप रहते हो। आपके महल में ही बहुत से नौकर चाकर हैं, मैंने देखा है। और कल रात रुबीना ने बताया कि आप खुद अपने खेतों की रखवाली करने जाते हैं। बस ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मेरी ये बात सुनकर वो शख्स जिसने अपना नाम ओवेस बताया था खामोश हो गया और रुबीना की तरफ देखने लगा। क्या वाकई रुबीना, तुमने इन लोगों से ऐसा ही कहा था? हाँ, यही कहा था, रुबीना नज़रें नीचे करके बोली। ये सुनकर ओवेस हंसने लगा और बहुत ही तेज आवाज़ में हंसने लगा। अरे यार, तुम इंसानों की भी यही बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो तुम लोग। मेरी बहन ने ऐसे ही कह दिया होगा। फिर ओवेश ने रुबीना की तरफ देखा और रुबीना बहुत ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी और वो बोल पड़ी, भाई सही बोल रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को ये सब नहीं बताती तो आप लोग मेरे साथ यहाँ तक नहीं आते, और वहाँ पर बहुत खतरा था, बेवजह परेशानी में घिर जाते। मगर एक बात मैंने आपसे झूठ नहीं बोली, और वो ये कि हमारे वहाँ पर बहुत से खेत हैं। तभी ओवेश बोल पड़ा, मेरी बहन सह कह रही है, हमारे वहाँ पर बहुत से खेत हैं और ज़मीन है, हमारे नौकर चाकर वहाँ पर अक्सर जाते रहते हैं रखवाली के लिए। फिर मैंने एक सवाल पूछा, ठीक है ओवेश भाई, आपकी बात हम मान लेते हैं, तो फिर एक बात मुझे आप ये बताइए, आपकी बहन यानी कि रुबीना इतनी रात में उस वीराने में क्या कर रही थी? ये सुनकर ओवेश के चेहरे पर खामोशी छा गई। अब उसका चेहरा थोड़ा सीरियस दिखाई देने लगा। फिर अचानक वो बोला, अरे भाई, तुम मेहमान हो और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, सारी बातें आज ही तुम पूछ लोगे, रात के खाने में मुलाकात करते हैं, फिर सारी बातें वहीं करते हैं। ये कहकर वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और मैं और शमशाद एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर रुबीना ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवा देती हूँ। मैंने रुबीना से कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। रुबीना ने मेरी बात सुनकर कहा कि नहीं अमान, खाना तो खाना होगा, तुम्हें अगर नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। ये कहकर उसने फिर से ताली बजाई और फिर से वही हुआ जो रात में हुआ था। चार लोग वहाँ पर आए जो औरतें थीं और उन्होंने एक से एक खुशबूदार खाने हम लोगों के सामने लगा दिए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही खाया, मगर शकील तांगे वाले ने खूब पेट भर कर खाया। खाना ख़त्म होने के बाद मैं रुबीना से मुखातिब हुआ, अब हमें चलना चाहिए रुबीना। रुबीना मेरे बात सुनकर चौंक गई, अरे नहीं, चले जाना, इतना भी क्या जल्दी है? अमान, नहीं रुबीना, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ सही है, मगर ओवेस भाई ने रात में तुम लोगों के साथ खाना खाने का वादा किया है, वो नाराज़ हो जाएंगे, क्या तुम लोग रुक नहीं सकते? इतने में शमशाद ने कहा कि अमान की अम्मी परेशान हो रही होगी। रुबीना ने मुझसे कहा, अमान तुम परेशान मत हो, मैं अपने नौकरों को तुम्हारे घर पर भेज देती हूँ और तुम्हारे घर वालों को इत्तला दे देती हूँ कि तुम आज नहीं आ सकते, तुम आज हमारे मेहमान हो। पता नहीं उसके इन अल्फाजों ने मुझ पर न जाने क्या जादू किया, जैसे मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। और उस वक्त मेरा दिल एक ही बात कह रहा था कि रुबीना की बात माननी चाहिए। सच तो ये है कि मेरे दिल के अंदर मोहब्बत की चिंगारी फड़कने लगी थी और मैंने बगैर सोचे समझे बोल दिया कि ठीक है रुबीना, जैसा तुम सही समझो। रुबीना मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई, ये कहकर कि मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ।
ये खुशखबरी मैं ओवेस भाई को सुना देती हूँ। उसके जाते ही शमशाद ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि तू पागल हो गया है, अच्छा खासा यहाँ से जाने वाले थे, क्या जरूरत थी तुझे ये कहने की? क्या तुझे पता नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? यार तुझे हो क्या गया है? मैंने शमशाद की तरफ देखते हुए कहा कि यार मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है शमशाद। शमशाद मुझे घूरने लगा और मुझे एक तरफ शकील तांगे वाले से अलग ले गया और बहुत गंभीर लहजे में बोला, यार तूने एक बात नोट की? मैंने कहा, क्या? अरे यार जब तू ओवेस से बात कर रहा था तब उसने क्या अल्फाज बोले थे? क्या अल्फाज बोले थे? हाँ तुझे कैसे पता होगा, तू तो रुबीना को ही देख रहा था। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, और ये मत भूल के सवाल जवाब मैंने ही शुरू किए थे, तू तो चुपचाप बैठा हुआ था। अब बता क्या कहा था? शमशाद ने कहा, यार तेरी बात के जवाब में उसने कहा था कि तुम इंसानों की यही प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो तुम लोग। तो क्या हम जहाँ पर ठहरे हैं ये लोग इंसान नहीं है? अगर ये इंसान नहीं है तो फिर कौन है? शमशाद की ये बात सुनकर अमान भी सोच में पड़ गया। हाँ यार मैं इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दे पाया। शमशाद बोला, वही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ यार, उसने साफ साफ अल्फाजों में कहा कि तुम इंसानों की भी यही कमजोरी होती है कि तुम बहुत जल्दी सामने वाले पर भरोसा कर लेते हो। कुछ इसी तरह के अल्फाज उसने बोले थे। हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरा वो मतलब नहीं है शमशाद, असल में बात यह है कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरी ये हो क्या रहा है। मेरी बात सुन अमान, हम लोगों को अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ शमशाद, लेकिन मैं रुबीना से कह चुका हूँ कि हम रात को खाने के लिए रुकेंगे। यार अमान तुझे हो क्या गया है? मैं तेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ शमशाद, मगर तू फिक्र मत कर, आज रात जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तुझसे एक बात और कहने वाला अमान। क्या बात है बता? ये कि मुझे ये तांगे वाला भी कुछ सही नहीं लग रहा। वो कैसे? अमान ने चौंकते हुए कहा। मेरा मतलब ये है, जैसे कि आज रात हम लोगों को जो सपना आया, हम दोनों ने बिल्कुल एक ही सपना देखा, और समझ में बस ये बात नहीं आ रही मेरी कि इस तांगे वाले ने कोई ख्वाब नहीं देखा। इस शकील तांगे वाले को रात भर नींद ही नहीं आई, उसके कहने के मुताबिक बस मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सच बोलूँ तो मुझे उसके बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। अमान शमशाद को गौर से देखने लगा और कुछ सोच में पड़ गया। इतने में रुबीना वहाँ पर आ गई। मैंने ओवेश भाई को बोल दिया है कि आप लोग रात के खाने के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ओवेश भाई बहुत ही खुश हैं तुम लोगों का ये फैसला सुनकर। अमान बड़ी गौर से रुबीना को देख रहा था। रुबीना रात होने में तो अभी वक्त बाकी है, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे गांव का चक्कर लगाएं। वो क्या है कि हम लोग थोड़ा बोर हो गए हैं रुबीना। अमान की ये बात सुनकर कुछ सोचने लगी, फिर वो बोली, आप लोग नए हो कहीं रास्ता ना भटक जाओ। रुबीना कैसे बातें कर रही हो तुम? हम सब लोग शहर के रहने वाले हैं, हम शहर में रास्ता नहीं भटकते, तो फिर ये तो छोटा सा गांव है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। रुबीना कुछ देर तक सोचती रही। ठीक है, अमान शकील तांगे वाले से बोला, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तांगे वाला अमान को गौर से देखने लगा। हाँ बाबूजी, मैं यहाँ महल में अकेले क्या रह कर क्या करूँगा, अगर तुम लोग बाहर घूमने जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है, अमान बोला। तो फिर फैसला हो गया, हम चारों लोग चलते हैं। और वो लोग उस महल से बाहर आ गए। रुबीना तुम्हारा गांव तो बहुत खूबसूरत है, अमान ने रुबीना की तरफ मुखातिब होकर कहा। देखो ना कितनी हरियाली है यहाँ पर,
अच्छे अच्छे मकान बने हैं। अम्मा ने एक बात नोट की कि उस गांव में जितने भी वहां पर घर थे, इतने लोग वहां पर बाहर नहीं थे। कुछ लोग उसकी आंखों के सामने टहल रहे थे, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, मगर उसे सबसे ज़्यादा अजीब बात यह लगी कि उनमें से किसी ने भी अमान को और शमशाद को नोटिस नहीं किया, मानो उन्हें कोई मतलब ही ना हो। और एक मतलब ये भी निकलता था कि जैसे वो लोग उन दोनों को देख ही ना रहा हो। अमान से रहा नहीं गया। रुबीना, तुम्हारे गांव वाले मुझे बिल्कुल रोबोट जैसे लग रहे हैं। लगता है वो लोग अजनबियों से बात नहीं करते। ऐसी बात नहीं है अमान, रुबीना ने कहा। दरअसल गांव वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं, वो मेरे सामने कोई बात नहीं कर सकते। बात करना तो बहुत दूर, वो हमसे आंखें भी नहीं मिला सकते। अच्छा अच्छा, अमान ने कहा, मैं तो ये बात भूल ही गया कि तुम लोग महल के रहने वाले हो और शमशाद यहाँ के राज परिवार के जो राजा हो, और प्रजा राजा से भला आम आदमियों की तरह कैसे बात कर सकती है। तुमने बिल्कुल सही कहा अमान, हम लोग राजा परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं, रुबीना ने अमान की आंखों में आंखें डालकर कहा। अमान ने नोट किया कि रुबीना के चेहरे पर थोड़ी सख्ती सी आ गई। चलते चलते तीनों बहुत दूर निकल गए थे। तभी अमान ने देखा सामने की ओर एक ऊंची जगह थी, वहाँ की तरफ कुछ बना हुआ था। जब अमान ने बहुत गौर से देखा तो उसे समझ में आ गया वो कोई दरगाह थी। अमान ने कहा, रुबीना वो सामने क्या है? रुबीना ने सामने देखते हुए कहा, कुछ नहीं, वो तो अमान ने नोट किया वहाँ एक दरगाह थी। रुबीना सामने वाली दरगाह को देखकर थोड़ा सा घबरा सी गई। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या है वहाँ? कुछ नहीं, वो कोई दरगाह है बहुत पुरानी, हम लोग वहाँ नहीं जाते। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? अमान ने रुबीना से कहा। बस ऐसे ही, बहुत पुरानी दरगाह है, सालों से बंद पड़ी है, अमान ने रुबीना से कहा। मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, रुबीना ने अमान से कहा। कि वहाँ जाकर क्या करोगे? बस जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किसकी दरगाह है। रुबीना ने अमान को बहुत मना किया, मगर शमशाद बीच में बोल पड़ा, जाने दीजिए ना प्लीज़ रुबीना जी, अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप रुक जाइए, हम लोग वहाँ पर होकर आ जाते हैं, और वैसे भी हम लोग आज रात के ही तो मेहमान हैं, और आपके भाई ओवेश ने कहा था कि आप लोग मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। अमान शमशाद की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, मगर रुबीना के चेहरे पर अमान को थोड़ा खौफ दिखाई दिया। रुबीना का ये चेहरा देखकर अमान की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। अमान ने बहुत जिद की। अमान की जिद देखकर रुबीना थोड़ा सा मुस्कुराने लगी और ऐसा कहा जाए कि वो अपनी घबराहट छुपाने लगी तो गलत नहीं होगा। ठीक है अमान, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं दरगाह के अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर ही खड़ी रहूंगी। ये सुनकर अमान शमशाद और वो शकील तांगे वाले दरगाह के पास चल दिए। दरगाह के दरवाजे के पास पहुंचकर अमान ने देखा कि रुबीना के कदम थोड़ी दूर पर जाकर रुक गए। अमान ने देखा कि दरगाह के बाहर कुंडी लगी हुई थी और उस पर बहुत धूल जमी हुई थी। अमान ने रुबीना की तरफ देखा और रुबीना तुम भी अंदर चलती? नहीं तुम जाओ, हमने कहा ना कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाते। अमान ने शमशाद की तरफ देखा, शकील तांगे वाला अमान से थोड़ा दूर खड़ा था। अमान ने शकील तांगे वाले को देखकर कहा, क्या बात है, तुम दूर क्यों खड़े हो, तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं बाबूजी, मैं अंदर नहीं आऊँगा। क्यों? अमान ने चौंक कर कहा, रुबीना तो इस गांव की रहने वाली है, वो इस दरगाह में नहीं आती, उसकी बात समझ में आती है, मगर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है दरगाह के अंदर आने में? नहीं बाबूजी, बस ये समझ लीजिए कि मैं भी दरगाह पर नहीं जाता और मैं आज तक कभी गया नहीं, आप लोग हो आइए। ये कहकर शकील तांगे वाला बड़ी फुर्ती से रुबीना के पास जाकर खड़ा हो गया। अमान को उसकी ये हरकत देखकर बड़ा अजीब लगा। अशमशाद जो कि अमान के पास खड़ा था, धीरे से कहा अमान के कानों में फुसफुसाया, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे इस तांगे वाले में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अमान ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई हो सकती है,
देखते हैं आगे क्या होता है। यह कहकर अमान ने दरवाजे की कुंडी खोल दी और अमान और शमशाद अंदर चले गए। जाते वक्त अमान ने और शमशाद ने अपने जूते बाहर ही उतार दिए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वो दरगाह बाहर से देखने में छोटी नजर आ रही थी मगर अंदर से काफ़ी बड़ी थी। सामने दो मज़ार बने हुए थे और अंदर कुछ कमरे भी थे जैसे कोई यहाँ पर रहता हो, और एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ को देखकर ये मालूम होता था जैसे ये बरसों पुराना पेड़ हो। उसकी मोटी मोटी शाखें नीचे की ओर झुक रही थी। इतने में अमान की निगाह सामने वाले शख्स पर पड़ी और वो चौंक पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कोई मौजूद भी हो सकता है। अमान ने शमशाद से कहा, शमशाद जो मैं देख रहा हूँ क्या तू भी वही देख रहा है? हाँ यार मैं भी वही देख रहा हूँ, मगर यार अमान रूबीना ने तो कहा था कि यहाँ पर बरसों से कोई नहीं आता जाता, तो फिर ये बूढ़ा कौन है? अरे यार शमशाद, अमान ने कहा, हो सकता है कि रूबीना यहाँ पर आती हो ना हो और गांव वाले यहाँ पर आते हों। उसके बात सुनकर शमशाद अमान को घूरने लगा। शमशाद से रहा नहीं गया और उसने अमान से कह दिया कि अमान अपने दिल को काबू में रखो, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तुम कहना क्या चाहते हो शमशाद? यही कहना चाहता हूँ तुमसे अमान कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम लोग मुसीबत में हैं और वो लड़की रूबीना कौन है और ये सब लोग कौन हैं हमें कुछ नहीं पता और तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगे हो। हाँ यार शमशाद, तेरी इस बात से तो मैं सहमत हूँ मगर पता नहीं क्यों मैं तुझे नहीं समझा सकता। चल इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले उस सामने वाले शख्स से बात करते हैं, शायद हमें उससे कुछ पता चल जाए इस गांव के बारे में। अमान ने शमशाद से कहा, तू जाकर बात कर। शमशाद ने कहा, नहीं यार तू जाकर बात कर। और अमान धीरे धीरे उस बूढ़े के पास चला गया जो कि दरगाह में झाड़ू लगा रहा था। अमान ने दूर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमान, बहुत देर लगा दी तुमने, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। शमशाद भी उस बूढ़े की बात को सुन रहा था और शमशाद भी अमान के साथ साथ ही करीब आ गया था। यह सुनकर अमान और शमशाद के हैरत का ठिकाना नहीं रहा। बूढ़े ने सलाम का जवाब दिया और अपना चेहरा उन दोनों की तरफ कर दिया। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि पीर बाबा थे। पीर बाबा, आप यहाँ कैसे? पीर बाबा सुनकर मुस्कुरा दिए। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ बेटा, और उसकी मखलूक की खिदमत करना मेरा काम है, जहाँ उसका हुक्म होता है पहुँच जाता हूँ। पीर बाबा को देखकर अमान और शमशाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। पीर बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? पीर बाबा ने अमान और शमशाद की तरफ देखते हुए कहा, वो लड़की रूबीना क्या वो अंदर नहीं आई? नहीं पीर बाबा, अमान ने कहा, हमने रूबीना से बहुत कहा मगर वो अंदर नहीं आई। पीर बाबा उसकी बात सुनकर बोले, मैं जानता हूँ कि वो अंदर नहीं आएगी, किसी कीमत पर नहीं आएगी, और वो तुम्हारे साथ जो तांगे वाला था वो? नहीं पीर बाबा, वो भी नहीं आया, बल्कि वो तो दरगाह के नाम से ऐसे डरा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पीर बाबा उन दोनों की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। अब तुम दोनों मेरी बात बहुत गौर से सुनो, तुम्हें अब वो करना होगा जिसका हुक्म मैं तुम्हें अब दूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास आज रात का ही वक्त है। आज रात को हर हाल में तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकलना होगा। अगर आज रात मैं तुम दोनों से इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाए तो कभी नहीं निकल पाओगे, हमेशा के लिए यही रह जाओगे। पीर बाबा की बात सुनकर अमान और शमशाद दोनों बुरी तरह से डर गए और खौफ में आ गए। मगर अमान ने डरते डरते पीर बाबा को बताया कि पीर बाबा, मुझे रूबीना से मोहब्बत होने लगी है। पीर बाबा शमशाद की ये बात सुनकर अमान की तरफ घूर कर देखने लगे। सोचना भी मत अमान, मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अब उसका जादू तुम पर असर करने लगा है। जादू? ये लफ्ज़ सुनकर अमान हैरत से पीर बाबा की तरफ देखने लगा। हाँ जादू,
तुम लोग उस महल से आ रहे हो, तुम लोगों ने उस महल को देखा? हाँ पीर बाबा, हमने देखा, शमशाद ने कहा वो महल बहुत ही खूबसूरत बना है। ये सुनकर पीर बाबा बोले, तुमने उस महल की खूबसूरती को तो देख लिया, मगर क्या तुमने उस महल में कहीं भी किसी भी जगह कोई आईना देखा है? ये सुनकर हमान सकते में आ गया, आपकी बात बिल्कुल सही है पीर बाबा, हमने इस बात पर गौर ही नहीं किया। बहुत सी बातें हैं जिस पर तुमने गौर नहीं किया। उस महल में कोई आईना नहीं है, कोई शीशा नहीं है, क्योंकि शीशा इंसानों के लिए होता है। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम दोनों को आज रात ही वहाँ से निकलना होगा। अमान ने पीर बाबा से कहा, पीर बाबा हम दोनों को हमारे साथ वो तांगे वाला भी तो है, मर चुका है वो। ये सुनकर दोनों सकते में आ गए, क्या वो मर गया है? हाँ, उसी वक्त मर गया था जिस वक्त तांगे से गिरा था। तुमने तो खुद यानी शमशाद ने उसकी नब्ज देखी थी। मैं तुमसे पूछता हूँ शमशाद, क्या उनकी नब्ज चल रही थी? नहीं पीर बाबा। फिर शमशाद को वो सारा मंजर याद आ गया कि जब उसने तांगे वाले की नब्ज चेक करी थी तब उसकी नब्ज बंद थी। फिर उसे वो बात भी याद आ गई कि रुबीना ने उसका हाथ पकड़कर कुछ पढ़ा था और वो फिर से उठ खड़ा हो गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा पीर बाबा, अगर ऐसी बात है तो जब हम लोग सपने में मिले थे तब आपने ये भी कहा था कि उस तांगे वाले को भी आप इस मुसीबत से निकाल देंगे। हाँ कहा था, अगर मैं उस वक्त तुम दोनों को ये बात बता देता कि वो तांगे वाला मर चुका है तो उस वक्त तुम लोग बुरी तरह से घबरा जाते, और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम लोग उस वक्त डर जाओ और कमज़ोर पड़ जाओ। उस तांगे वाले के मरने की बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, अमान यहाँ तक कि उसके और तुम्हारे घर वालों तक को नहीं बताई, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ वक्त के लिए छुपी रहे तो अच्छा है, अगर मैं बता देता तो तुम लोग और मुसीबत में पड़ जाते और तुम्हारे घर वाले भी। अब तुम लोग कुछ भी सवाल मत करना क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। तो फिर पीर बाबा ये हमारे सामने खड़ा है ये कौन है? जल्दी पता लग जाएगा तुम्हें। फिर पीर बाबा ने उन दोनों को दो ताबीज़ दिए, दोनों से कहा कि इनको गले में पहन लो, ये ताबीज़ किसी को नहीं दिखाई देंगे। याद रखना बाहर जाकर तुम्हें यही कहना है कि अंदर कुछ नहीं है। रुबीना को और उस तांगे वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। इस ताबीज़ के ज़रिए मैं तुम्हारे हमेशा पास रहूँगा। मगर पीर बाबा आपने कहा है हमें आज रात में निकलना है, मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? उसकी फिक्र तुम लोग ना करो, तुम लोग बस अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। और घबराओ नहीं। इतने में अमान को रुबीना की आवाज़ सुनाई दी, अमान बहुत देर हो गई है, चला नहीं है क्या? और उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और अमान ने वहीं से आवाज़ लगाई, हम आ ही रहे हैं बस। और जब दोनों ने वापस मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा वीराना। पीर बाबा वहाँ से जा चुके थे और जाते जाते सैकड़ों सवाल छोड़कर चले गए। अमान यही सोच रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और पीर बाबा किस दरवाजे की बात करते हैं। आज तक उसके समझ में नहीं आया कि आखिर ये दरवाज़ा है क्या, और अगर है तो कहाँ है। फिलहाल वो दोनों दरगाह से बाहर निकल आए। बहुत देर लगा दी तुमने अमान, क्या कर रहे थे? रुबीना बोली। अमान ने देखा तांगे वाला बहुत ही घूर कर उन दोनों को देख रहा था। कुछ नहीं, बस अंदर यहीं देख रहे थे कि आखिर इस दरगाह में ऐसा क्या है कि गांव वाले यहाँ आते ही नहीं। रुबीना उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट बहुत ही रसीली थी। और तुम लोगों ने दरगाह के अंदर क्या देखा? रुबीना ने मुस्कुराकर अमान की तरफ देखकर कहा। कुछ नहीं, अमान ने कहा, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, हमने देखा अंदर कोई नहीं है। हमें चलना चाहिए, रुबीना ने कहा। हाँ अब हमें चलना चाहिए, अमान ने रुबीना की बात का जवाब दिया। शमशाद ने भी अमान को देखकर कहा, हाँ सही बात है, अब हम सब लोगों को चलना चाहिए, वैसे भी शाम हो चली है, कुछ ही देर बाद रात हो जाएगी। और वो सब लोग महल की तरफ चल दिए।
कुछ ही देर बाद चारों लोग महल के अंदर थे। सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे। अम्मा ने रूबीना से कहा, रूबीना तुम्हारा महल वाकई बहुत खूबसूरत है। रूबीना अमान की बात सुनकर हंसने लगी। मगर एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ रूबीना, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम उस वीराने में क्या कर रही थी। रूबीना अमान की बात सुनकर थोड़ा चौंक गई। उसे शायद इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो किसी सोच में डूब गई। फिर कुछ देर बाद वो बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं उस वीराने में तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी अमान। ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। ये कैसे बात कर रही हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है। रूबीना अमान को देखकर मुस्कुराने लगी। मजाक कर रही हूँ अमान। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अमान ने शमशाद की तरफ देखकर कहा कि कहीं इन लोगों को कोई शक तो नहीं हुआ। शमशाद ने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों को कोई शक हुआ होगा। शमशाद कहने लगा, पीर बाबा के मुताबिक ये तांगे वाला मर चुका है। अमान ने शमशाद से कहा, हाँ बात तुम्हारी सही है। अमान मेरी एक बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि एक तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कितना अजीब है, इसका एहसास तो तुम्हें हो ही गया होगा, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें अभी तक कहीं भी नहीं मिले। तुमने रूबीना से पूछा, उसमें भी हमारे सवालों का सही से जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि पीर बाबा ने भी हमारे सवालों का पूरा जवाब नहीं दिया। हम कभी भी पीर बाबा से सवाल करते हैं वो हमेशा टाल देते हैं कि अभी कुछ नहीं बता सकता। हद है यार, उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। मैं तेरी बात को समझता हूँ शमशाद, हो सकता है कि पीर बाबा की कोई मजबूरी रही हो या रहती हो जिसमें हमारी भलाई हो, इसलिए वो हमें सारी बात नहीं बता रहे हो। शमशाद अमान की बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। अमान ने शमशाद को देखते हुए कहा, क्या तुम पीर बाबा पर कोई शक कर रहे हो क्या। नहीं यार, कोई शक नहीं कर रहा हूँ, बस समझ में नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत, क्या सपना है क्या हकीकत। अब चाहे पीर बाबा हो या रूबीना हो, इनमें से कौन सही है कौन गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच तो ये है कि हम लोग एक भंवर में फंस गए हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ शमशाद, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। ना तुम मेरे साथ मेरे घर आते और ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता जो मेरे साथ हो रहा है, और इसमें गलती मेरी भी है। घर वालों ने मना किया था उस दिन आने को और मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरी वजह से तुम भी इस परेशानी में पड़ गए, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। नहीं यार, इन सारी घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मत मानो, तुम्हें थोड़ी नहीं पता था कि यह सब कुछ होने वाला होगा। शमशाद ने अमान की तरफ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो भी हो हम सब इस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे। अमान ने शमशाद की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ कल से जो कुछ भी हुआ उसको मैं नहीं समझ पाया। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या हकीकत है और क्या झूठ, मगर इन सब बातों से एक चीज़ मेरे अंदर हुई है कि मुझ में एक हिम्मत सी आ गई है। हर मुसीबत का सामना करने के लिए आज रात जो कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता कि ये हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं, मगर एक बात तो तय है कि आज रात मैं पूरी कोशिश करूँगा हर उन सवालों का जवाब जानने के लिए जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। उन दोनों को बातें करते हुए कितना वक्त हो गया पता ही नहीं चला। तभी अचानक कमरे में रूबीना आ गई। ओवेस भाई, तुम्हारे खाने की टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं। अमान और शमशाद एक दूसरे को देखने लगे। सामने शकील तांगे वाला भी उन लोगों को देख रहा था। ठीक है चलो रूबीना, चलते हैं। अमान ने अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जुटाकर फैसला कर लिया था। वो चारों एक कमरे से डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। रात का सन्नाटा बहुत ही गहरा था, सिर्फ उन चारों के कदमों की आवाज़ ही पूरे महल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज रात उसमें मैं उन चारों के अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। आज रात भी बहुत ही ज़्यादा काली थी। अमान इन सब चीज़ों को महसूस कर रहा था।
मगर उसने कोई सवाल नहीं करा। चलते चलते करीब 10 मिनट बाद वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और हमेशा की तरह खाने की टेबल पर बेहतरीन से बेहतरीन व्यंजन लगे हुए थे। अमान ने देखा सामने ओवेश बैठा हुआ था। ओवेश ने ठीक सामने अमान की ही टेबल थी। वो लोग आमने सामने थे, सब तरफ खामोशी छाई हुई थी। फिर अचानक ओवेश ने बात शुरू की है, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी दावत कबूल की है। रुबीना बता रही थी कि आप लोग जाना चाहते थे मगर मेरी वजह से आप लोग आज नहीं गए। मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरी मेहमान नवाजी कबूल की। बहुत ही शानदार अंदाज में बात कर रहा था, जैसे कोई राजा सामने वाले से कोई बात करता हो। अमान ने जवाब दिया, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आपके ख़ानदान की परंपरा है कि आप लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और मेरे भी ख़ानदान की परंपरा है कि अगर कोई शख्स दिल से दावत दे तो हम उसे ज़रूर कबूल करते हैं। क्या बात है अमान साहब, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। तो फिर ठीक है, ओवेश ने कहा, अब खाने को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए, आप लोग खाना शुरू कीजिए। ओवेश की बात सुनकर अमान ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाला और सामने शमशाद को भी इशारा किया। उसने भी खाना निकाला मगर उसने देखा कि शकील तांगे वाला सबसे बेफिक्र होकर खाना खा रहा था, जैसे उसे किसी बात से कोई मतलब ही ना हो। मगर उसने एक बात नोट की कि रुबीना और ओवेश वो खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि उनके हाथों में एक गिलास में पानी था या कुछ शरबत था, पता नहीं, सिर्फ उसे पी रहे थे। अमान ने यह सब देखकर कहा, क्या आप लोग रात में खाना नहीं खाते? ओवेश ने कहा, नहीं, हमें भूख नहीं है, हम लोग रात में कम ही खाना खाते हैं और वो भी कभी कभार, हम ज़्यादातर दिन में खाना खाते हैं, इसलिए हमारी फिक्र आप लोग ना करें, आप लोग पेट भरकर खाना खाइए। अमान ने यह सुनकर उनकी तरफ देखकर कहा, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम खाएं और आप ना खाएं। चलिए, आपने कहा कि आप कभी कभार ही दिन में खाना खाते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा खाना रात में भी खा लीजिए आप लोग। ओवेश ने फिर मना कर दिया मगर अमान जिद में आ गया, थोड़ा सा आपको खाना पड़ेगा ओवेश साहब। जब अमान ने बहुत ज़्यादा जिद की तो ओवेश के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिखने लगा, आखिर तुम मानते क्यों नहीं हो अमान, हमें नहीं खाना? वही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे लिए तुम थोड़ा सा खा नहीं सकते? अब ओवेश के चेहरे का रंग बदल चुका था, हमने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, हम नहीं खाना चाहते हैं तो नहीं खाना चाहते हैं। मगर लगता था आज अमान आमना सामना करने की ही मूड में था। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो उसके दिल से डर खत्म हो जाता है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आज अमान शायद इसी मूड में था। फिर अमान ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, मुझे लगता है ओवेश साहब ये नौटंकी बहुत ज़्यादा हो गई, आप लोग कोई भी खेल हमारे साथ जो खेल रहे हो अब उसका ख़त्म होने का समय आ गया है। ओवेश अमान की बात सुनकर अचानक चौंक पड़ा, कहना क्या चाहते हो तुम? तुम सब जानते हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहला तो मेरा सवाल यह है कि तुम लोग हो कौन, और मेरा दूसरा सवाल यह है कि आखिर रुबीना ने मुझसे खेत में झूठ क्यों बोला, और मेरा तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारे इस बड़े बड़े आलिशान महल में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है मगर यहाँ पर शीशा एक भी मौजूद नहीं है, और मेरा चौथा सवाल यह है कि आखिरकार तुम्हारी बहन रुबीना उस रात जंगल में अकेली क्या कर रही थी, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो एक आम सी लड़की थी, और जब वो उस जंगल से हमें यहाँ इस महल तक ले आई तो अचानक वो आम सी लड़की एक राजकुमारी बन जाती है। रात में जब मैं सोता हूँ तो सुबह मेरी आँख मेरे घर में खुलती है, फिर अचानक दोपहर में मेरी आँख यहाँ पर खुल जाती है, घड़ी जब भी देखता हूँ तो सिर्फ एक ही बजाती है, एक के अलावा कोई दूसरा वक्त नहीं बजाती, और मेरा दावा है कि अभी भी अगर मैं घड़ी देखी तो वो एक ही बजा रही होगी। क्या मेरे इन सवालों के जवाब से तुम्हारे पास है ओवेश? और मैं अपने इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ
क्योंकि मैं पागल नहीं होना चाहता। अब सच सच बताओ कि तुम लोग हो कौन? ओवेस अमान की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था और शमशाद अमान की तरफ हक्का बक्का होकर देख रहा था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि अमान इतनी खुल्लम खुल्ला बात करने लगेगा। फिर शमशाद को कुछ याद आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीर बाबा ने जो ताबीज हमें पहनने के लिए दिया वो उसी में कुछ ताकत हो जो अचानक अमान के अंदर इतनी हिम्मत आ गई। क्या तो मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो वेस? प्लीज अब ये मत कहना कि ये तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम लोग कौन हो? इंसान तो तुम लोग किसी कीमत पर हो ही नहीं सकते। अमान की ये बात सुनकर ओवेस के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। तुमने सही कहा अमान कि हम लोग इंसान तो हो ही नहीं सकते। तुम्हारे सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर तुम्हें क्या लगता है अमान, अगर हम लोग इंसान नहीं हैं तो क्या तुम इंसान हो? उसकी ये बात सुनकर शमशाद चौंक पड़ा। कहना क्या चाहते हो, हम लोग इंसान नहीं हैं? ओवेस ने शमशाद को जवाब दिया, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा शमशाद, मैं सिर्फ अमान से बात कर रहा हूँ और बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो। उसकी इतनी ही कहना था कि शमशाद अचानक टेबल से गिर। अमान ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का हो गया, उसे शायद ये उम्मीद नहीं थी। वो फुर्ती से उठकर शमशाद की तरफ पहुंचा। क्या हुआ शमशाद, क्या हुआ? मगर शमशाद की आंखें बंद थी और जिस्म बेसुध पड़ा था। अमान जब शमशाद की नब्ज चेक की तो उसके ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा। शमशाद मर चुका था। हाँ, उसका प्यारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अमान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उसने गुस्से से ओवेस की तरफ देखा। वो फिर करकती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मार दिया? ओवेस ने उसकी बात सुनकर सामने वाली टेबल पर इशारा किया और अमान से कहा, जरा देखो तुम्हारे तांगे वाला कहाँ गया। जब अमान ने सामने देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर उसने अमान की तरफ इशारा किया कि अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। अमान गुस्से से उठा और ओवेस की तरफ बढ़ा, शायद उस पर हमला करने के लिए, मगर उसके कानों में रुबीना के अल्फाज गुजे, रुक जाओ अमान, हमारी बात सुनो। उसकी आवाज़ सुनकर अमान के कदम खुद ब खुद रुक गए। फिर उसने गुस्से से ओवेस की तरफ देखा। फिर ओवेस ने शमशाद की तरफ इशारा किया जहाँ पर कुछ देर पहले शमशाद मर चुका था। अमान ने जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब उस कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, अमान, ओवेस और रुबी। अमान ने चिल्लाते हुए कहा, ओवेस मेरा दोस्त कहाँ गया? सही सही बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। तुम लोग कोई भी हो, चाहे शैतान हो या इंसान, मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। ओवेस बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर ओवेस ने अमान की बात का जवाब दिया, बैठ जाओ अमान, सुकून से बैठ जाओ, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखो, मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूँगा, मगर पहले आराम से बैठ जाओ। तुमने मुझसे इतने सवाल पूछे हैं, जाहिर से बात है उनका जवाब देने में मुझे वक्त तो लगेगा। ऐसे गुस्से में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें उस कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। अमान के पास कोई चारा नहीं था और वो जाकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर ओवेस ने बोलना शुरू किया, तुमने सही कहा अमान, और बहुत अच्छा किया कि शुरुआत तुमने की। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ नहीं जानते? सबसे बड़ी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पीर बाबा कौन है? ओवेस की ये बात सुनकर अमान चौंक गया, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें पीर बाबा के बारे में कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है अमान, इतना सब कुछ कि जितना तुम्हें भी तुम्हारे बारे में नहीं पता। आखिर तुम कहना क्या चाहते? मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था मगर तुम सुनना नहीं चाहते थे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। साफ साफ अल्फाज में बयान करो, आखिर कहना क्या चाहते हो, क्या जानते हो तुम पीर बाबा के बारे में? मैं तो उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मगर सवाल ये है कि तुम क्या जानते हो पीर बाबा के बारे में,
और रहा सवाल तुम्हारा, तो मैं तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानता हमान। तुम्हारी माँ रुकिया बेगम के बारे में, तुम्हारे भाई सहबाज के बारे में, या तुम्हारे बाप के बारे में और उनके भी बाप के बारे में, तुम्हारे पूरा खानदान के बारे में एक एक चीज़ जानता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बहन रुबीना भी। अमान के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो सोच में पड़ गया। फिर उवेश ने एक बार कहा, तुम अपने दिमाग से खुद सोचो अमान, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारा भला ही सोचते हैं। तुम्हारे पीर बाबा ने तुम्हें बचाने के बारे में कहा था, तो क्या वो तुम्हारे दोस्त शमशाद को बचा पाए, उस तांगे वाले को बचा पाए? नहीं अमान, नहीं, वो किसी को नहीं बचा पाए। अमान की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों उसे उवेश के बातों में कुछ सच्चाई नजर आ रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ उवेश, उवेश ने अमान की तरफ देखते हुए कहा, जब कल रात में तुम शहर से वापस आए थे, वो भी रात के वक्त, तुम्हारे बस खराब हो गई थी, जानते हो बस किसने खराब की थी? किसने? वो बस हमने ही खराब की थी। इतनी रात में वहाँ पर चांद की आखिरी तारीख में कोई मौजूद नहीं होता, खास तौर पर बस स्टैंड पर। फिर इतनी रात में तुम्हें एक तांगे वाला कैसे मिल गया, और वो भी तुम्हें उस जगह से ले आया जिस जगह पर उस दिन तक में कोई नहीं जाता। क्या तुमने कभी सोचा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस स्टैंड पर लोग मौजूद थे, हमने कई लोगों से बात की, मगर कोई नहीं माना। सिर्फ ये बेचारा तांगे वाला ही हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया, और उसको भी तुमने मार दिया। तुम किसी कीमत पर इंसान हो ही नहीं सकते, तुम तो कोई और ही मखलूक हो, और अगर इंसान हो भी तो किसी जल्लाद से कम नहीं हो। अमान की सारी बातें सुनकर उवेश बहुत तेज तेज आवाज में हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा, और अमान ने देखा रुबीना बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। फिर उवेश बोला, बेवकूफ हो तुम, हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम समझ नहीं रहे हो। उस रात बस स्टैंड में चांद की आखिरी तारीख में कोई नहीं होता, 6 बजे के बाद वहाँ सन्नाटा छा जाता है। तुम्हें वहाँ पर इतने भी लोग मिले थे, वो हमारे ही लोग थे। एक तरह से कहा जाए तो हम ही तुम्हें यहाँ पर लाए हैं ताकि तुम्हें सच्चाई पता लग सके। कैसी सच्चाई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो बोलते जाओगे मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा? मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार डाला। अमान की बात सुनकर एक बार फिर उवेश बहुत जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ अमान, तुम शहर में थे, तुम्हारी मुलाकात शहर में शमशाद से कितने दिनों बाद हुई थी? अमान सोचने लगा, लगभग 1 हफ्ते बाद। अमान ने कहा, शमशाद किसी काम से बाहर गया हुआ था, मगर हमारी फ़ोन पर रोज बात होती थी। तुम एक बार फिर धोखा खा गए अमान, दरअसल तुम्हारा दोस्त शमशाद अभी नहीं मरा, वो तो बेचारा शहर में 1 हफ्ते पहले ही मर चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरा दोस्त अभी भी मेरे सामने मरा है। मेरी बात का यकीन करो अमान, तुम्हारे दोस्त को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है, तुम्हारे साथ जो शख्स शमशाद बनकर रहा वे दरअसल हमारा ही आदमी था। बकवास? तुम्हारा आदमी? फिर तुम बकवास करने लगे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हम लोग हर रूप ले सकते हैं, हमारे लिए किसी भी रूप में आना नामुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी एक बार को इस बात पर यकीन भी कर लूँ, ना तांगे वाला था और ना मेरा दोस्त शमशाद, मेरा दोस्त शमशाद था जो अब तक मेरे साथ रहा, तो फिर सवाल ये उठता है कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, और आखिर तुम लोग हो कौन? वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ अमान, उवेश ने कहा, कि खुद को पहचानो, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझ रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या। क्या है मेरी सच्चाई? अमान ने कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बहन कैसी लगती है? उवेश की बात सुनकर अमान गुस्से से उवेश की तरफ देखने लगा। बड़े ही बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम, उवेश फिर हंसने लगा।
मेरे दोस्त एक बार फिर धोखा खा गए। इतना सब कुछ होने हो जाने के बाद तो तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम इंसान तो बिल्कुल ही नहीं, हम तो कुछ और ही हैं। और क्या है वो तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। चलो तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते हो, तुम्हारे बात का जवाब मैं दे देता हूँ। मेरी बहन तुम्हें अच्छी लगती है, और उसका सीधा सा जवाब यह है कि वो तुम्हें सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है कि वो तुम्हारी बीवी है, जो पिछले कई सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बात सही है कि रुबीना को मैं दिल ही दिल में थोड़ा सा पसंद करने लगा था, मगर ये मेरी बीवी है, ये कैसे मुमकिन है? और वैसे भी तुम पीर बाबा की सच्चाई जानती ही हो, तो उन्होंने मुझे बता दिया है कि इस लड़की ने मुझ पर जादू किया है। ओवेस ने बहुत घूर कर अमान को देखा। पीर बाबा ने तुमसे क्या कहा वो मैं सब जानता हूँ, मगर मेरी बात को मानो, यकीन करो मेरी बात का, रुबीना तुम्हारी बीवी है। ओवेस की बात सुनकर अमान का दिमाग चकराने लगा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरह से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं एक बार को कि रुबीना मेरी बीवी है, तो मुझे बताओ कि कितने सालों से इंतजार कर रही थी मेरा? जहां तक मैं अपने आप को जानता हूं तो मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 27 साल है। ये सुनकर ओवेस फिर से एक बार इस तेज आवाज में हंसने लगा। मेरे दोस्त, रुबीना तुम्हारा वहां पर 30 सालों से इंतजार कर रही है, फिर किसने कहा कि तुम्हारी उम्र 27 साल है? ओवेस की बात सुनकर अमान को और तेज गुस्सा आने लगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये लड़की मेरा वहां पर 30 सालों से इंतजार कर रही है, और ये मेरी बीवी है? हाँ, मेरी बात का यकीन मानो, मैं वैसे मुझे इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करूं, बहन का दुख देखा नहीं जाता, उसका शौहर उससे दूर रहे ये मैं कैसे देख सकता हूँ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। क्या है मेरी सच्चाई? इससे पहले ओवेस कुछ बोलता कि अचानक अमान ने जो अपने गले में ताबीज पहन रखा था उसमें से बहुत तेज रोशनी निकली, और देखते ही देखते चारों ओर रोशनी छा गई। उस वीराने में रोशनी अमान ने देखा कि वहाँ सामने पीर बाबा खड़े थे। पीर बाबा ने बहुत तेज आवाज में कहा, अमान, इसकी किसी भी बात को मत सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो। ये सुनकर ओवेस ने फिर पीर बाबा को गुस्से से देखा और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पीर बाबा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पीर बाबा। उसकी बात सुनकर पीर बाबा उस पर चिल्लाने लगे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और ना अब तक बिगाड़ पाए हो। ओवेस ने अमान की तरफ देखते हुए कहा, अमान, पीर बाबा की बात पर यकीन मत करना, मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताता हूँ। तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताने से पहले ये सब कुछ तुम्हें दिखाना चाहता था, मेरी बात सुनो। उसका इतना कहना था कि पीर बाबा फिर से अमान की तरफ देखकर चिल्लाने, उसकी कोई बात मत सुनो अमान, जाओ उस खिड़की से कूद जाओ, तुम इस दरवाजे से बाहर निकल जाओगे। पीर बाबा के ये कहना ही था कि ओवेस गुस्से से पीर बाबा की तरफ देखने लगा। अमान ने देखा कि रुबीना बहुत ही बेचैनी वाली नज़रों से अमान को देख रही थी, जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, जैसे कि वो चाहती हो कि वो कहीं ना जाए, वहीं रुक जाए। फिर पीर बाबा की आवाज़ गूंजी, अमान, तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी घड़ी एक ही क्यों बजाती है? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि इस वक्त भी एक ही बजा रही है, और इस वक्त दरवाज़ा खुलता है, जाओ उस खिड़की से कूद जाओ, तुम बाहर निकल जाओ। फिर ओवेस ने चिल्लाकर कहा, झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो, मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, हमने तुम्हें यहाँ पर कोई कैद करके नहीं रखा। अमान ने गुस्से से ओवेस की तरफ देखा, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया है, तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? तुमने उस तांगे वाले को भी मार दिया है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? और तुमने अभी अभी कहा कि तुम मेरे दोस्त को एक हफ्ते पहले ही मार चुके हो। उसके बाद सुनकर ओवेस ने फिर चिल्ला कर कहा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था,
लेकिन मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ कि तुम्हारी दोस्त को मैंने नहीं, तुमने ही मारा है, और वो भी शहर में ही। अमान उसकी बात सुनकर फिर से गुस्से में आ गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा? ये सच है अमान, ओवेस ने कहा, तुमने ही अपने दोस्त को मारा है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और देखो, मेरी बात पर यकीन करो, ये सामने जो पीर बाबा खड़ा है, इसने कहा था कि ये तुम्हारे दोस्त को बचा लेगा। इसने ये भी कहा था कि तांगे वाले को भी बचा लेगा। मगर सच तो ये है कि पीर बाबा पहले से जानता था कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है। तुम यहाँ पर अकेले ही थे, मगर इसने तुम्हें नहीं बताया। अमान उसकी बात सुनकर फिर से सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई ओवेस की बातों में भी थी, मगर उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था। अब उसे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था। एक बार फिर ओवेस ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो फिर तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें अपना बचपन की कोई भी बात याद? मेरे पास वक्त की कमी है, नहीं तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता। एक बार मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि रूबीना तुम्हारी बीवी है और हम तुम्हारे दोस्त, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। तुम्हारे बचपन की कोई बातें नहीं मालूम अमान, तुम्हारे पास कोई याद नहीं है। फिर एक बार फिर पीर बाबा की आवाज़ गूंजी, अमान उसकी बात मत सुनो, वक्त बहुत कम है, खिड़की से कूद जाओ वरना हमेशा इस वीराने में भटकते रहोगे। अमान के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत। ओवेस इससे पहले कुछ बोलता, अमान ने अचानक खिड़की से छलांग लगा दी। बस उसके कानों से रूबीना की एक आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अमान, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। और अमान खिड़की से जब नीचे गिर रहा था, तब उसके दिल में एक ही सवाल आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अचानक उसका जिस्म जमीन से टकराया और फिर उसे कुछ होश नहीं रहा कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। ओवेश भाई, हम लोग एक बार फिर नाकाम हो गए। तुम फिक्र मत करो रूबीना, ओवेस ने बहुत ही मायूस अल्फाजों के साथ कहा, तुम्हारा शौहर एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो इन वीरानों से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। अगर वो तुम्हारा शौहर है तो वो मेरा दोस्त भी है। ये अलग बात है कि उसे कुछ भी याद नहीं। अपना दिल छोटा मत करो रूबीना, वो बस इस वीराने में बहुत जल्दी लौट जाएगा। अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में वीराना सीजन पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि सीज़न 2 आप लोगों को सुनना है कि नहीं। तो मैं जल्दी से सीज़न 2 भी लाने वाली हूँ। और कासिम अंसारी जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी है और वो कहानी के बोलने का मौका मुझे मिला है। दोस्तों, आप लोगों से इम्पॉर्टेंट ये बात कहनी थी कि दो बातें आप लोग से कहनी है कि पहली बात है, अगर आप लोगों को भी अपना ट्रू हॉरर स्टोरीज़ या फिर कोई कहानी मुझे भेजनी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग मुझे ईमेल में एज ए पीडीएफ या फिर मुझे फेसबुक पेज में इनबॉक्स कर सकते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। सो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोगों को कोई भी कहानी मुझे भेजिए, मैं वो कहानी सबके सामने ऑडियो के द्वारा पेश करूँगी। और दूसरी ये बात कि दोस्तों, मैं आप लोगों के पास तीन ऑप्शन रखती हूँ कि आप लोग इस अगली बार कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है कर्ण पिशाचिनी की कहानी, सेकेंड ऑप्शन है मेरी लिखी हुई कहानी, या फिर हैरी पॉटर सीरीज़, या फिर चौथा ऑप्शन भी है, या फिर कोई ऐसी ट्रू हॉरर स्टोरीज़ जो कि एकदम रियल हॉरर स्टोरीज़ हो। तो प्लीज़ बताइए चार ऑप्शन में से आप लोगों को कौन से ऑप्शन सही लगता है कि आप लोग पसंद करेंगे कि कहानी सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस मोटिवेट कीजिए, नहीं तो मैं और वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मजाक कर रही थी, जरूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जरूर वीडियो बनाऊंगी। चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों की ये कहानी अच्छी लगी हो, और अगर सीजन 2 सुनना हो तो प्लीज़
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, अलविदा।